हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सब लोगों से मैं आज एक बात भी करना चाहूँगी, और उससे पहले मैं आपको वही ब्लेसिंग्स के साथ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी मंत्र, इसी कामना और इसी इच्छा से मैं अपना वीडियो रोज शुरू करती हूँ और आज भी कर रही हूँ। और आप सब लोगों का अपने चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ सकारात्मक रूप से। यहाँ आज मैं एक बात करना चाहती हूँ, और वो बात इस प्रकार है कि अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है, तो मैं अपने इस चैनल पे एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें हम आपको शॉर्ट वीडियो देंगे 2 या 3 मिनट का। उसमें लक्ष्मी पूजन, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का जो आपको दिक्कत है, या आपके कैरियर में दिक्कत है, या आपको घर बनाने में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय मैं बताने जा रही हूँ। मैं एक नया सेगमेंट इसी चैनल पे शुरू करने वाली हूँ, तो आप उसको ज़रूर और बड़े ध्यान से सुनिएगा भी, और फॉलो भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। तो एक ये मैं नया सेगमेंट शुरू करने जा रही हूँ टैरो रीडिंग के साथ साथ। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग की पहली एनर्जी जो है वो ये है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, तो आपको उस चीज़ से विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये टेम्प्रेरी फेज है, बीतने वाला है और बहुत अच्छे से निकल जाएगा। आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, किसी प्रकार के लिए परेशान ना हो। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट होने वाली है, पर सॉर्ट आउट तो होने वाली है, बट कैसे, बट हाउ। इस संसार में हर समस्या का हल कम्युनिकेशन से है, बातचीत से है, और अगर आप अपने सामने वाले को अपने कम्युनिकेशन से कन्विंस कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम का हल हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको अपनी बात टोटल क्लैरिटी के साथ रखनी है, टोटल क्लैरिटी के साथ रखनी है, और वो क्लैरिटी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत आएगी। आपकी समस्या का हल आपके कम्युनिकेशन स्किल से होगा, जो आप कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट क्लियरली करेंगे, कम्युनिकेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। ज़िंदगी में बात को गांठ बांध लीजिए कि जब भी आप बातचीत करें, वो क्लैरिटी के साथ करें। ईश्वर से भी कुछ मांगे तो क्लैरिटी के साथ मांगे, धुंधले बने या कन्फ्यूजन में कुछ नहीं मिलता, बात नहीं बनती, हमारी बात सामने वाला समझेगा ही नहीं, तो समस्या का हल कैसे होगा। और अगर समस्या का हल करना है तो आप कम्युनिकेट बिल्कुल क्लियरली कीजिए सामने वाले के साथ। अगला कार्ड फिर वही कह रहा है कि जो आपके दिमाग में एक फितूर चल रहा है, आपके दिमाग में जो एक फितूर चल रहा है, एक उलझन चल रही है, एक ओहू पोहू की स्थिति मन और मस्तिष्क में चल रही है, उसको जहन से निकाल दीजिए, उसको बाय बाय टाटा कर दीजिए,
उसको नो करिए कि जो ये मेरे अंदर चल रहा है नो, ऐसा नहीं है, और वाकई ही ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मगर क्या होता है कि हम इतने भ्रमित हो जाते हैं कि जो भ्रम है वही हमें वास्तविकता दिखने लगती है, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि जो स्थितियां परिस्थितियां कंडीशंस हैं वो बेहतरी की ओर जा रही हैं, अच्छी सिचुएशन की ओर जा रही हैं। आपका आने वाला जो समय है या कुछ लोगों का समय आ चुका है, वो क्या है कि वो एक अच्छे समय का संकेत दे रहा है, अच्छे समय का संकेत दे रहा है, अच्छे समय को इंडिकेट कर रहा है, और आपके साथ इन वेरी नियर फ्यूचर कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। और देखते हैं आगे क्या एंजल्स का आशीर्वाद आता है। यस, यही मेरे दिमाग में चल रही थी बात कि सब कुछ तो इस तरह आ रहा है, लेकिन ये होगा कैसे? होगा ऐसे कि जब आप अपने मन को समझा लेंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, मन और बुद्धि आपकी अलाइन हो जाएंगे और आप एक सही दिशा में चलने लगेंगे, तभी होगा। क्योंकि ये सब आपके अपने ऊपर है कि आप अपने जीवन को कितना बदलना चाहते हैं, आप अपने जीवन को क्या दिशा देना चाहते हैं, आप अपने जीवन को जो जिस दशा में हैं उस दशा को कैसे सुधार करके एक नई दिशा की ओर बढ़ना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके अपने ऊपर है। आप चाहेंगे तो सारे हालात बदल जाएंगे, और आप नहीं चाहेंगे, लथार्जिक रहेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो कुछ नहीं हो सकता। जो भी करना है, जो भी हम करते हैं, उसको तन्मयता के साथ करना चाहिए, पूरी तन्मयता के साथ करना चाहिए। अगला कार्ड ये कह रहा है, अगली एनर्जी तो बहुत सुंदर, वो कह रही है कि अब मन से अब तैयार। जो पहला कार्ड कह रहा था ना कि ये सब परिस्थिति बदलना आपके मन के ऊपर है, तो अगला का जो एनर्जी आई है वो ये बता रही है कि क्योंकि आप हालात बदलना चाहते हैं तो आप उसके लिए तैयार भी हैं, आप पूरी तैयारी के साथ अपने हालात को बदलने के लिए तैयार भी हैं आप, और आप उसको बदल भी लेंगे। आप उन हालात को धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर लेंगे, बदल भी लेंगे, क्योंकि मानसिक तौर से आप तैयार हो चुके हैं, मानसिक रूप से आप तैयार हैं, अब आप शारीरिक रूप से भी तैयार हो जाइए। सारे कार्ड बड़े पॉजिटिव हैं। अगला कार्ड कह रहा है 10, सिचुएशन बहुत जल्दी सुधरने वाली है। सारे कार्ड ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और बड़ी जल्दी होगा और आपके फेवर में होगा और आपके लिए होगा, आपकी फेवर में भी होगा और आपके लिए होगा, और बड़ा सुंदर होगा, बड़ा अच्छा होने वाला है। आपका जो सुधरना शुरू हो गई होगी सिचुएशन, निश्चित रूप से आपको पहले से बेटर लग रही होगी, क्योंकि कार्ड्स बड़े साउंड और बड़े स्ट्रांगली ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने आप को पहले से बदला सब महसूस कर रहे होंगे, बिल्कुल बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं, साउंड बड़ी मजबूती के साथ ये मैसेज है कि आप पहले से अपने आप को काफ़ी मजबूत समझ रहे हैं और बदलाव के लिए
एकदम तैयार हैं, आप बदलाव के लिए तैयार हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ और वो पर्सनल रीडिंग पेड है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैथिली टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।